गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 5 क्वेश्चनों तक सॉल्व करा दिए गए थे। आज मुझे छठवें क्वेश्चन से बताना है। छठवां क्वेश्चन का बाई ओर रोस्टर रूप में और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में बड़ी समुच्चयों का सही मिलान करना बेटा। तो आइए सही मिलान कैसे करेंगे। बाई साइड में दिया है 1236, बाएं साइड में दिया बेटा 1236, इसका किससे मिलान होगा ध्यान देने की आवश्यकता है। छठवें का ए में दिया है 1, 2, 3 और 6 दिया है, और दाहिने साइड जो दिया हुआ वो ध्यान देंगे। ये 1 लिखा हुआ बाएं में और दाहिने ए लिख करके दिया है यस, ऐसा कि यस एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यस एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। आइए दूसरा देखिए क्या दे रहा है। दूसरे में ये दे रहे हैं 2 and 3 दे रहे हैं, और इनका जो मिलान है इस मधुला ब्रैकेट लगाते रहेंगे बेटा। 2, 3 और इधर दे रहे हैं राइट में यक्ष, ऐसा कि यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्ष ऐसा कि यक्ष 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। आगे देखिए तीसरे में दे रहे हैं तीसरे में देखिए क्या दे रहे हैं MATH मैथ EICS। एक बात ध्यान देना बेटा, समुच्चय में को लिखते वक्त यदि कोई भी नंबर्स डबल बार है, जैसे मैथमेटिक्स में MATH होता है, तो जो यम डबल बार है उसको सिंगल बार करना, ये डबल बार था तो उसको सिंगल बार किया गया। इसका देखिए राइट पश्चिमी अक्ष, ऐसा कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या है और 6 से भाजक भी है, जो 6 की भाजक संख्या है, 6 की भाजक है। अगला देखो बेटा क्या है, अगला है 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7, 9 इसमें क्या दिया डी में यक्ष, ऐसा कि यक्ष मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। यक्ष ऐसा कि यक्ष मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब आइए इसको मिला लेते हैं मैथमेटिक्स। इसमें मिलान करना कौन कहां पे मिलेगा, 1, 2, 3, 6 दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। यक्ष ऐसा कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है, यहाँ अभाज्य संख्या तो है नहीं सारा, ये तो नहीं है। यक्ष ऐसा 10 से कम एक विषम, सब तो विषम भी नहीं, ये भी नहीं होगा। यक्ष ऐसा कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक भी है। ये बताओ 1, 2, 3, 6 इन सभी नंबरों से 6 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। इसलिए पहले का सीधे मिलान किससे हो जाएगा बेटा, सी से हो जाएगा। दूसरे आइए 2, 3 क्या है, 2, 3 बेटा यक्ष ऐसा कि यक्ष एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक भी है। 2, 3
से छह कट भी जाएगा और दो तीन दोनों अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से न कटे हुए नंबर क्या होते बेटा अभाज्य संख्या होती है। मैथमेटिक्स किससे मिलेगा, यक्ष ऐसा कि यक्ष से मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इनका जो सीधे डी से मिल जाएगा, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, एक एक तीन पांच सात नौ, ये दस से कम, दस से मैंने कहने का मतलब पाला का सी से मिलाएगा, दूसरे को ए से मिलाएगा, तीसरे को डी से मिलाएगा और चौथे को सी से मिलाएगा। इस तरीके से मिलान करना था बेटा, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मिलान घर पे कर लीजिएगा। अब अगले एक्सरसाइज की बारी है, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे बेटा ध्यान पूर्वक। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो आइए कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट मतलब समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं तो शुरू से जानने की आवश्यकता है। इसको इंग्लिश में बेटा टाइप्स ऑफ सेट करेंगे, कहेंगे पहला जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इम्पटी सेट कहते हैं या नल सेट भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में इम्पटी सेट भी कह सकते हैं और या नल सेट भी कहा जाता है। बेटा ध्यान पूर्वक देखना ये होता क्या है, ऐसा समुच्चय ये याद रखने की आवश्यकता है, सभी लोग परिभाषा को लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निल हो, कुछ भी न हो, कोई अवयव न हो, तीस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। बेटा रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, हम लोग जानते हैं ग्रीक भाषा का फाई बेटा, ऐसे बोला बना कैसे पेट छेर देते हैं उसका, तो आप इसको याद रखिएगा। यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कुछ भी न हो, उसको ऐसे एग्जाम्पल में जब लिखोगे तो इस तरीके से एग्जाम्पल मिलेगा, उसमें कोई एलिमेंट अंदर नहीं, अभी जीरो लिख दिया जाता है रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा, जीरो एलिमेंट माना जाता बेटा, इस तरीके से उसका एरर होता है और इसका प्रतीक जो होता है बेटा फाई है। तो आप एक बात याद रखनी होगी कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कुछ भी न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं, इसे फाई से ग्रीक भाषा के फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि आपसे कह दे यक्ष एक ऐसा समुच्चय है जिसमें मोदी जी अमेरिका के प्रधानमंत्री, तो अब ये कौन सा समुच्चय कहा जाएगा, नल सेट होगा, मोदी जी अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं, वो इंडियन प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वहां कोई सेट नहीं होगा। ये ऐसा कि यक्ष मोदी जी हैं जो अमेरिका के प्रधानमंत्री है, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसलिए ये नल सेट में आने लगता है। तो आइए बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बताया जाएगा। अगला जो है वो एकल समुच्चय है, सिंगल सेट, अगले समुच्चय का नाम है बेटा एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, इसको सिंगल सेट बोलते बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल और केवल एक हो, एक का मतलब एक नहीं है, केवल एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन हो। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, मान लो कोई सेट ए है तो ए बराबर अगर इसे छह लिखा तो यह एकल समुच्चय है, ए बराबर अगर पांच लिखा तो भी है, ए बराबर मैंने एलिमेंट जो है इसके अंदर एक ही हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक होता बेटा वह एकल समुच्चय कहलाता है।
इसको इंग्लिश में सिंगल सेट बोलते हैं। अगला जो सेट का नाम आता है परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय बेटा? परिमित समुच्चय। अगले समुच्चय का नाम है बेटा परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो परिमित समुच्चय कहते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता सभी बच्चों को। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो सीमित हो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। इसको परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट सेट होता है परिमित समुच्चय। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। जैसे मान लो एक ऐसा समुच्चय जिसमें दो से विभाज्य होने वाले दस तक के सभी नंबर, अर्थात दो चार छ आठ दस। तो इस प्रकार अवयवों की संख्या कितना है? एक दो तीन चार पांच। तो आप कहेंगे परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। इसके बाद का जो अगला नंबर होता है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट होता है उसको अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कौन ले दी बेटा? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो वह अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जो कोई कहते कि सभी समसंख्याओं का समुच्चय, तो समसंख्याओं का समुच्चय मान लो ये सभी समसंख्याओं का समुच्चय दो चार छ आठ दस बारह, तो कहां तक लिखोगे? तो अर्थात डैश डैश लगा दोगे बेटा, डैश डैश लगा दोगे। तो ये समझ जाना जब भी डैश लगा तो कौन सा समुच्चय हो जाता है? अपरिमित समुच्चय। तो आप लिखोगे कैसे इसको? अपरिमित इनफाइनाइट सेट को क्या कहोगे? कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनंत अवयव हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब अगले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अगला जो समुच्चय आता है जो आता बेटा विसंगीत या समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। संयुक्त समुच्चय, एक बात ध्यान देने की आवश्यकता बेटा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा समुच्चय, ऐसे दो सेट, इसमें दो सेट होते हैं बेटा, ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन न हो, अर्थात दो समुच्चय हो दोनों में अलग अलग एलिमेंट हो, तो मैंने अलग अलग अवयव हो, तो इस प्रकार के सेट को विसंगी या असंयुक्त सेट कहते हैं। जैसे मान लो ए बराबर हो जाए एक दो तीन एंड बी बराबर हो जाए आपका पांच छह सात, तो बेटा ए और बी किस प्रकार के सेट हैं? तो आप बोलेंगे ये विसंगी समुच्चय हैं। कोई कह देता क्यों है? तो लिख देना बेटा क्योंकि इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये ऐसा समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिनके कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को आप विसंगी या असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। अब अगला समुच्चय की बारी आएगी समतुल्य समुच्चय बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए समतुल्य समुच्चय में देखिए क्या होता है। एक छठवां नंबर है, छठवां नंबर जो आपका है समतुल्य समुच्चय।
समतुल्य समुच्चयन देखिए क्या होता है, इसको इक्वल सेट भी बोलते हैं, समान समुच्चय भी बोल सकते हैं इसको। समान समुच्चय में तो एलिमेंट इक्वल होते हैं, इसमें आइए देखिए एलिमेंट भी नंबर इक्वल होंगे। ये समतुल्य समुच्चय में ऐसा होता बेटा कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, जैसे मान लो एक समुच्चय है ए बी सी है, ए एक समुच्चय है और बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक दो तीन, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ए में भी एक दो तीन ही एलिमेंट्स हैं और बी में भी तीन ही एलिमेंट है, अर्थात जहां एन ए बराबर एन क्या नंबर ऑफ ए और जहां एन ए बराबर एन बी, तो इस प्रकार का जो समुच्चय होगा बेटा समतुल्य समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समतुल्य समुच्चय। अगला जो समुच्चय की बारी आती है समान समुच्चय बेटा। अगला क्या है? समान समुच्चय। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो समुच्चय बेटा समान समुच्चय, समान समुच्चय। अब इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, ऐसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान और सेम हो, समान भी हो सेम हो, पहले वाले जितने एलिमेंट है दूसरे में भी वही उतने एलिमेंट होना चाहिए, वही एलिमेंट होना चाहिए भले क्रम बदला हो। मान लो ए बराबर है चार पांच छ और बी बराबर है छ चार पांच है, तो ये आपका समान समुच्चय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी चार इसमें भी चार इसमें भी छह इसमें भी छह इसमें भी पांच इसमें भी पांच, दोनों अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए, कहीं आगे पीछे कुछ भी उपक्रम बदला उस समुच्चय नहीं है। तो आपको परिभाषा बोल देंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान और सेम हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इतने को आप लोग कॉपी में लिख करके ग्रुप में सेंड करिएगा, तब फिर आगे बताया जाए।